देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। सिर्फ उत्तर प्रदेश लोकसभा की 80 सीटें रखता है और कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश फतेह करता है वही देश में सरकार बनाता है। सवाल भारत का की हमारी सीरीज में आज हम आ पहुंचे हैं यूपी की राजधानी, यूपी के दिल लखनऊ में, और आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे लखनऊ के जरिए उत्तर प्रदेश के मन को कि आखिर यूपी क्या कहता है, अब की बार होगी किसकी सरकार। हमारे साथ लखनऊ के आम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही एक अच्छा खासा पैनल, आपका इंट्रोडक्शन कराती हूँ। मेरे साथ कर्नल दयाशंकर दुबे, बीजेपी के प्रवक्ता, जूही सिंह, सभी जगह आप इन्हें देखते हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं द्विजेंद्र त्रिपाठी और साथ ही हमारे साथ आरएलडी के प्रवक्ता अनिल दुबे हैं। सबसे पहले मैं जूही जी के पास चलूंगी। जूही जी, बीजेपी ये कह रही है कि 7 चरणों में चुनाव होने जा रहा है, 7 हमारे लिए लक्की नंबर है, हमने पिछली बार भी सबका सुपड़ा साफ किया था, इस बार भी करेंगे, पूरे यूपी को फतेह करेंगे और सरकार बनाएंगे, आपने महागठजोड़ बनाया है, आपको क्या लगता है? देखिए, बीजेपी अपने काम की बात कभी करती नहीं है। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें आपको उनसे सुनाई दे जाएंगी कि 7 अच्छा अंक है, हम बहुत बड़ी पार्टी हैं, हम संस्कारी पार्टी हैं। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी अपने काम पर बात कर रही है। पहला फेज गन्ना किसानों के बीच में है, तो हम पूछना चाहते हैं कि 11,000 से 12,000 करोड़ बकाया है, कब वो आप भुगतान करेंगे, किस चीनी मिल पर आपने एक्शन लिया। यदि आप पूर्वांचल से चलें तो आप देखें महाराजगंज में 4 में से 1 चीनी मिल चल रही है, देवरिया में से 5 में से 1, कुशीनगर में से 10 में से 5, बस्ती में से 5 में से 2, संत कबीर नगर की बंद पड़ी है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल आलोक द्विजय आपको बताएंगे ज़रूर, वो वहाँ के निवासी हैं। लेकिन रोज़गार, 2 करोड़ रोज़गार कहाँ है? रोज़गार पूछो तो ये बताएंगे हमने मुद्रा लोन दे दिया, मुद्रा लोन ज़्यादातर लोगों को 10,000 से कम में दिया, उससे कितने रोज़गार सृजन हुए प्रधानमंत्री कहते हैं कोई डेटा नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई एजेंसी ही नहीं है जो डेटा बता सके। जब आप NSSO की बात करेंगे तो बताएंगे CII के पास जाइए। तो अब जनता इन घुमावदार भाषण में नहीं आने वाली है, आप हमें बताइए। आपने कहा था शिक्षा मित्रों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, BA TET की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक भी परीक्षा उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है जिसका पेपर लीक नहीं हुआ है। चलिए जूही जी, इस पर जवाब लेते हैं। कर्नल दुबे, समाजवादी पार्टी जो BSP और RLD के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, एक बड़ा महागठबंधन जो कह रहा है कि अच्छी खासी टक्कर हम आपको देंगे, उनका ये कहना है कि सिर्फ जुमलों से काम नहीं चलेगा, आपने किया क्या? शीतल जी, आज एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट ये है हिंदुस्तान के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी बनाम अदर्स की राजनीति शुरू हो गई है। इसमें छटपटाहट इस बात की है कि पहले जिस देश के अंदर ये कहा जाता था कि 1 रुपया चलता है वो पैसे में जा करके पहुंचता है, आज वो पैसा पूरा का पूरा जनहित में, जन उपयोगी जो भी कार्यक्रम है उसमें इस्तेमाल होता है। तभी आपने ये चौकीदार वाला सुना होगा, सब कहते हैं कि मैं भी चौकीदार हूँ, और यदि सच पूछिए तो मैं तो पक्का ही चौकीदार हूँ, क्योंकि कहीं ज़िंदगी में पूरे समय बॉर्डर पर रहा या फिर सर्विस करी है, और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो भारतीय जनता पार्टी में है, जिसके वजह से कर्नल भी आकर के यहाँ पर खड़ा है। आज ये नहीं मतलब है, मतलब आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट हियर टॉकिंग अबाउट ओनली राष्ट्रवाद, हम इस बात को करने जा रहे हैं कि आज जिस चुनाव की बात कर रही है, मेरी जूही बहन बहुत अच्छी व्यक्तित्व रखती हैं, लेकिन जिस पार्टी में है उसका बेसिक सिद्धांत है डेरा डालो घेरा डालो, जहां गए वहीं कब्जा किया वहीं पकड़ा, लूटा खसोटा, यही सब पूरा इन्होंने हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश को रखा। इनके खुद के कुनबे में इतनी बड़ी आग लगी है कि खुद के अर्थव्यवस्था के लालच में इनका एक ही नारा है कि जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है। इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की संपदा को पी लिया है। अनिल दुबे आरएलडी के हमारे साथ हैं, आप भी इस महागठजोड़ में शामिल हो, कांग्रेस कहाँ है उससे उनसे मैं रिएक्शन लूंगी द्विजेंद्र से, लेकिन पहले महागठबंधन की बात कर ले। आरएलडी, ये जो दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, आप इनके साथ गठजोड़ में हैं, आपको क्या लगता है? पश्चिमी यूपी में आपकी अच्छी खासी बैठ है, पहले चरण के चुनाव वहाँ होने हैं, आपको लगता है कि इस बार बीजेपी जैसा कह रही है कि क्लीन स्वीप मिलेगी वैसा होगा, या आप लोग, आपका गठजोड़ जो है वो अच्छा खासा डेंट लगा पाएगा? नहीं, देखिए, इस बार जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 73+ लाएंगे, 74+ लाएंगे,
मैं समझता हूं कि 73 प्लस लाना तो दूर, इकाई में अगर उनकी सीटें रह जाएं तो बड़ी बात है। अच्छा, इकाई में? इकाई में भी अगर वो रह जाएं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने जिन वादों के साथ इस देश की सरकार को संभाला था, कहा था कि 15-15 लाख प्रत्येक भारतीय के खाते में हम भेजने का काम करेंगे, 15 लाख के एवज में 2000 रुपये किसानों को गए हैं। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को हम प्रति वर्ष के हिसाब से रोजगार देने का काम करेंगे, 10 करोड़ नौजवान इस देश का उनसे सवाल पूछ रहा है कि हमारा रोजगार कहाँ है। उन्होंने कहा था हम काला धन वापस लेकर के आएंगे, हम भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करेंगे, हम किसानों की आमदनी को 2 गुना करने का काम करेंगे। किसान की आमदनी 2 गुनी नहीं हुई, उसके कपड़े तक उतर गए। गन्ना किसान की हालत यह है कि आज़ादी के बाद इतना पैसा 13,000 करोड़ रुपया इस सत्र का है, 2018-19 का 13,000 करोड़ रुपया, और 239 करोड़ रुपया 2017-18 का है, और उसके पहले के वर्षों में भी 2016-17 का भी 22 करोड़ रुपया है कि किसान का कुछ नहीं हुआ। शीतल जी, 2500 करोड़। आऊंगी, पूरा एक घंटा है, सबको वक्त मिलेगा इस पर रिएक्शन, फिर उसके बाद विजेंद्र जी के पास कि कांग्रेस कहाँ है सबके बीच में। जी देखिए, मैं बड़ा अस्पष्ट तथ्यों के आधार पर बात करना उचित समझता हूँ। अनिल दुबे जी के बारे में एक ही लाइन कहना है मुझे, बड़े आदर पूर्वक, जैसे हमारे भाजपा में कहा जाता है कि भाजपा भक्त हैं, ये भी अजीत भक्त हैं, बड़ा लंबा इनका कैरियर रहा है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, तो जो ये कह रहे हैं उनको कहना ही चाहिए। लेकिन किसान के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, रोजगार के बारे में। तथ्य ये है कि किसान के चहेते ये और किसान के बेल्ट में ही ये वहीं पर हार गए हैं। पिछला चुनाव आपको पता होगा अच्छी तरह से, बागपत में दोबारा जाने की हिम्मत नहीं है। 2014 नंबर दो भैया, नंबर दो भैया, अनिल भाई जब आप बोल रहे थे तो अभी तो कहराना जी नंबर दो, जब 89 से यहीं पर राव साहब हम लोगों के बीच में पत्रकारिता जगत के एक स्तंभ हैं और विद्वान आदमी हैं, यदि ये नकार दें उस बात को कि 89 से जो परंपरा अजीत सिंह जी ने शुरू करी, बस एक कि एक मंत्रालय, एक मंत्री, एक मकान दिल्ली का, बस यही राजनीति पूरा उन्होंने करा है, यही किसान की राजनीति जो है इनके पार्टी की है। रही बात हमारी पार्टी की, तो जैसे हमारी सरकार आई 36,000 करोड़, 86 लाख किसान हमारे पास, डाटा है जो मैं आपको दे रहा हूँ, इट इज इन द रिकॉर्ड्स, और उसको हमने विमोचन किया। ये क्या किए हैं, ये क्या किए हैं, इनके यहाँ शादी होती है, एक परिवार में इनका सदस्य बढ़ता है, वो 9 करोड़ का मालिक हो जाता है रातों रात। की बात कर रहा हूँ, सपा की बात कर रहा हूँ, आज सिर्फ किसान का, आज सिर्फ इस वजह से इनका परिवार टुकड़ा टुकड़ा हो गया, क्योंकि ये नेतृत्व ये केवल नेतृत्व का ट्रांसफर किया। आती हूँ आप सबके पास, विजेंद्र जी, महागठबंधन, बीजेपी, इस सब के बीच, इन दावों के बीच आप कहाँ हैं, आपकी सबसे पहले तो हम जनतंत्र की रक्षा के लिए जनतंत्र चैनल और उनसे जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई देते हैं कि उन्होंने एक नई शुरुआत की है। आपने कहा 7 नंबर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत लकी है, तो उन्होंने ये कहा था कि सबका साथ, बीजेपी की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो उन्होंने विकास तो अपना ही किया, सबका तो विकास नहीं हुआ। अभी कर्नल साहब ने खुद कहा कि भक्त बीजेपी में है, तो इसका मतलब वो पार्टी पूरी तरह से भक्तों की है, जनता की कोई पार्टी नहीं है। के भक्त हैं हम, राहुल गांधी के भक्त नहीं है, इंदिरा गांधी। सवाल है, आपने कहा कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, तो आप दिल्ली के दिल लखनऊ में आप खड़ी हुई है, और जिस लखनऊ में आप खड़ी हुई है वहाँ की खूबसूरती को देखिए कि आप जिस रिवर फ्रंट पर हैं उसकी खूबसूरती कुछ और थी। इस सरकार ने और तो कुछ नहीं दिया, इसको बदसूरत बनाने का काम जरूर किया है, इसे सोचिए कि बीजेपी ने क्या काम किया होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बात होती है देश की सुरक्षा संरक्षा की बात होती है, आपने देखा होगा पुलवामा से लेकर के, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है लोगों को सुरक्षा देना तो दूर, आज हमारे सबसे ज्यादा सैनिक शहीद हो रहे हैं, सबसे ज्यादा अपमानित। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक तो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, कभी नहीं सुना होगा उसको हमने कैश करने का काम किया, कभी नहीं सुना होगा कि कोई भी सरकार, कांग्रेस की सरकार किसी सैनिक के पीछे, अरे सैनिक तो हमारे वो इस तरह की गर्व का विषय है, उसकी वजह से है, वो है तो हम हैं, वो है तो हिंदुस्तान है, और उसकी आड़ लेकर के हम राज्य सियासत नहीं करते हैं। अगर इनकी कोई उपलब्धि, आपको एक सैनिक रह चुके हैं। द्विजेंद्र भाई, मैं चाहता था कि आप इस विषय को ना उठाएं, नहीं तो पानी पानी हो जाते आप।
अब जिससे जो इस अगर आप पानी पानी नहीं हो रहे, आपके प्रधानमंत्री नहीं हो रहे, तो हम हमारे अंदर तो इतनी तो गैरत है। मौका दीजिए दिव्यजेंद्र भाई, मेरा मानना ये है शीतल जी कि जो व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर बोल रहा है उसकी पलटन का नाम है 18 कैनेडियर जिसने टाइगर हिल पर फतेह करी थी, और जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है ये श्रीलंका में भी रह चुका है IPKF, आपने नाम सुना होगा, ये विद्वान आदमी है आप। IPKF के अंदर जब भारत की सेना गई थी, आप सबको मैं हाथ जोड़ करके अवगत कराना चाहता हूँ, एंड इफ आई से लाइज देन आई कैन बी बिहाइंड द बार, मैं ऐसे तथ्यों पर बात करता हूँ। जब जयवर्धना एकार्ड हुआ, हमें कहना नहीं चाहिए देश की चीजें, ये लोग बात करते हैं जब सेना के बारे में, तो जब जयवर्धना एकार्ड हुआ बात कर रहे हैं, हमको रेडियो सरकार थी, राजू जी प्रधानमंत्री थे दुबे जी, जैसा हमको इन्होंने वहां उतार दिया, ना हमारे पास नक्शे हुआ करते थे, ना ANPRC 25 होते थे। आज आपके पास एक प्रधानमंत्री है कि सर्जिकल स्ट्राइक घुसता भी है, मारता भी है, कहता भी है और बताता भी है कि हमारी ये कैपेबिलिटी है, और यही नहीं अंतरिक्ष में भी लाइव सैटेलाइट को मार करके प्रूव कर दिया कि हिंदुस्तान आज सैटेलाइट के जमाने में चौथे नंबर का स्तंभ बना हुआ है। ये क्या बात कर रहे हैं, ये 5 साल में ही किया है, यहाँ पर मोदी जी ने 5 साल के अंदर सारी चीजें, इसरो वगैरह सारी चीजें लॉन्च किया इन्होंने। अरे इनको पता ही नहीं कि मोदी जी जब बच्चे थे तो सारी चीजें जो इस की स्थापना हो चुकी थी। एक मिनट आप लोग के पास आऊंगी मैं, जनता यहाँ मौजूद है, लखनऊ के लोग हैं, इन्हें वोट डालना है, जनता जनार्दन है। विक्रम राव जी, राष्ट्रवाद की बात हो रही है, सेना की बात हो रही है और तमाम मुद्दे, आपको क्या लगता है क्या मुद्दा इस बार डिसाइसिव रहने वाला है? ना मुद्दा, पहले मैं आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कहना चाहूँगा। अगर 1 vs 1 जैसे 6ठी लोकसभा में और 13वीं लोकसभा में हुआ था 1989 में, उसके 1977 में सारी गैर कांग्रेसी इधर गैर BJP पार्टियाँ अगर मिल जाती 1 vs 1 में, शायद नई लोकसभा बन जाती। अभी लोकसभा के सामने प्रश्न ये है कि 17वीं लोकसभा क्या सिंगल मेजॉरिटी गवर्नमेंट बन पाएगी या टूटे टूटे टुकड़े मिलके एक बनाएंगे, इस प्रश्न बस है। अभी तक मुझे लगता है कि हंग पार्लियामेंट होगी। हंग पार्लियामेंट में किस्मत जो बोल रहे हैं लोग, किस्मत कौन किसके गोद में बैठ जाएगा कहा नहीं जा सकता है। फिर नए नए कॉम्बिनेशन हो जाएंगे और राजनीति में हमेशा नए लोग हम बिस्तर हो जाते हैं, कहा जाता है ये स्टेज बेडफेलो। तो मेरे मेरी राय में इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, पाकिस्तान पे हमले के बाद मोदी के प्रॉस्पेक्ट सुधरे हैं, ये आम ओपिनियन बन रही है। ठीक है कुछ आम लोगों से पूछते हैं, फिर मैं आऊँगी पैनल के पास भी। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद BJP के प्रॉस्पेक्ट सुधरे हैं, ये जनता से एक मत आया है? बिल्कुल सुधरा हुआ मैडम, मेरा एक सवाल है कांग्रेस के। नहीं नहीं पहले मैं आपसे सिचुएशन पर आई। नहीं नहीं बिल्कुल सुधरा हुआ, जवाब बात नहीं बिल्कुल सुधरा हुआ, क्योंकि पहले पाकिस्तान के आतंकवादी आ करके सीधे पाकिस्तान के आतंकवादी आते थे, उसमें ये नहीं कह रहे कि आतंकवादी कहीं से भी आते, पाकिस्तान के आतंकवादी आ करके हमला करते थे और कोई जवाब नहीं दिया जाता था। आज हम जवाब भी देते हैं, मारते भी हैं और घुस करके पूरा नेस्तनाबूद कर देते हैं, और उसका सबसे एग्जाम्पल है, लोग कहते हैं कि एयर स्ट्राइक हुआ नहीं, अरे मैडम रॉयटर के पत्रकारों को घुसने नहीं दिया गया। चलिए चलिए चलिए, और भी लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे मैं और रिएक्शंस लेती हूँ। पाकिस्तान पर स्ट्राइक, आई विल डिफरेंट फ्रॉम दिस, मुझे पहले इस पर राय, फिर मैं और फिर भी आपकी राय, मैं कंबाइन कर सकता हूँ। मैं भाजपा के प्रवक्ता जी से, ठीक है आपने जो बात बताई स्ट्राइक और आतंकवादी हमला, इसमें बड़ी अच्छी बात है, हमारा देश अगर सक्षम है इसमें कोई बुरी बात नहीं है, शाबाशी देनी चाहिए। और अभी आपने अपने आप को चौकीदार बताया, ये भी अच्छी बात है, चौकीदारी अच्छी चीज़ होती है। चौकीदार का शब्द हिंदुस्तान के सिर्फ एक व्यक्ति ने एक मसले के लिए उठाया था, कैसा रूप ले लिया उसने कि आपको लाखों करोड़ों चौकीदार बनने पड़ रहे हैं, क्या कारण था, क्या वजह पड़ी आपको कि पूरे हिंदुस्तान को चौकीदार बनाना पड़ा आपको, एक व्यक्ति ने केवल चौकीदार का नाम लिया था एक मसले के लिए? Yes, yes. लाखों करोड़ों चौकीदार बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? शीतल, यू मस्ट गिव मी लिटिल टाइम, नॉट मोर, लिटिल टाइम, सबको टाइम मिलेगा। सर, चौकीदार की डेफिनेशन जो मैंने समझी है अपने जीवन में, ये समझा है कि जिस जगह पर उसको लगा दिया जाए उसको सुनिश्चित करे कि वो संसाधन की लूट न होने पाए।
प्रधानमंत्री मोदी ने यही किया है। मेरे साथ विपक्षी प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं। यदि देश का संसाधन, जिसके बारे में यही कांग्रेस पार्टी किसी कालखंड में कहा करती थी कि देश के संसाधनों के ऊपर अल्पसंख्यकों का अधिकार है, इसे उत्तर प्रदेश की सरकार कहा करती थी कि किसी भी श्मशान पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि कब्रिस्तान होगा तो उसकी बाउंड्री होगी। आज आज सबका साथ, मूल मुद्दे पर एजेंडे पर आ रहे हैं, एक चोरी हुई है। आप अगर चौकीदार की बात होती है तो ये भी बात होगा, समझ लीजिए। चौकीदार की बात होती है तो ऐसा चौकीदार हिंदुस्तान को नहीं चाहिए जो मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या की चौकीदारी करता हो। ऐसा चौकीदार हिंदुस्तान को नहीं चाहिए जो अनिल अंबानी की चौकीदारी करता हो। और हिंदुस्तान के किसी एक चौकीदार का नाम बता दीजिए जिसके पास टूरिस्ट वीजा हो। हमारे प्रधानमंत्री जी चौकीदार बन के टूरिस्ट वीजा और पूरी दुनिया में सिर्फ घूमते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं। अगर करते हैं तो चौकीदारी नीरव मोदी की, विजय माल्या की, ऐसे लोगों की चौकीदारी करते हैं। और कहीं चौकीदार में अमीरों के दरवाजे गरीबों के लिए नहीं घूमते हैं। शीतल जी देखिए, ऐसा है, आप तो ऐसी पार्टी से बात कर रहे हैं जिन्होंने ताज एक्सप्रेसवे बनाया जिस पर फाइटर प्लेन्स उतरते हैं, फॉरवर्ड बेस की तरह वो इस्तेमाल किया जाता है। रक्षा मंत्री नेताजी रह चुके हैं और यहाँ सभी देशभक्त हैं। हमारे भी नाना जो हैं वो बॉर्डर पे हैं और हमारे बहुत सारे भाई भी वहाँ हैं, तो सभी लोग भारतीय हैं। तो यही तो आश्चर्य है, सर्टिफिकेट ना दे हमें, परिवार से होकर के इस तरह की बात कर रही हैं, ये भक्ति का किसी की औकात नहीं है कि किसी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे सके। अगर हम देशभक्त ना हो तो जरूर जेल में डाल दीजिएगा। दूसरी बात, ये एक बात, अगर हमने नोएडा में एलिवेटेड रोड बनाई, सभी लोग चलते हैं, हमने हिंडन एक्सप्रेसवे बनाया उस पे भी सभी लोग चलते हैं, ताज एक्सप्रेसवे पे सभी लोग चलते हैं, मंडियों का प्रोविजन किया ताज एक्सप्रेसवे में जिससे लोगों की आय बढ़े, किसानों की आय बढ़े, किसानों का कर्जा 50,000 तक माफ किया। शीतल जी, आज ये बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद की, ये राष्ट्रवाद की और राम मंदिर की दो बातें हमेशा ये लेकर के तब आते हैं जब इनसे विकास की बात की जाती है। पर एयर स्ट्राइक तो हुई, जब वो तो एयर स्ट्राइक हुई, सेना ने की, सेना के शौर्य को सलाम सारे लोग कर रहे हैं, सारा देश सेना के साथ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई सेना के विरोध में नहीं है, हम लोग भी उस तरह का, आपका राष्ट्रवाद और देश का राष्ट्रवाद अलग थोड़ी है, सभी लोग राष्ट्रवादी हैं, सभी सेना के साथ, पूरा देश लेकिन उसका तो फिर उस पर वोट गिनने का काम अगर करेंगे, वोट गिनने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। देखिए सर, सर सुन लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक पे उन्होंने बोला, मैं कहता हूँ ताज होटल पे भी हमला हुआ था, इससे ज्यादा लोग मरे थे, उसके पहले भी कई ढेर सारे हमले हुए, उसमें भी बहुत लोग मरे। ये लोग जाते थे यहाँ से अमेरिका के पास, भारतीय सरकार जो थी वो जाती थी अमेरिका के पास, अमेरिका से कहते थी अमेरिका जी हमारे ऊपर हमला हुआ है, किसने किया तो पाकिस्तान ने किया, उसको समझाइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, चाहे उरी अटैक हुआ, चाहे पुलवामा अटैक हुआ, नरेंद्र मोदी को भी नहीं बताना पड़ा, इसी पुलवामा अटैक के बाद अमेरिका का राष्ट्रपति खुद आके कहता है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। ये अभी बहुत अच्छी बात इन्होंने की, मैं दो बातों को बताना चाहता हूँ। उनका कहना है आप 1971 सुनिए, पहले मैं एक बार आपके कार्यकाल में, आपकी पार्टी के कार्यकाल में भी हमले हुए देश में, लेकिन बार बार अमेरिका की तरफ देखा जाता है। मैंने कहा तो कि आप में हमारी पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री और बिना मैच के दुबे जी, एक एक दुबे जी यहां से उठा कर दुबे जी में रख दिए थे, बताया तो था आपको। मैंने कहा कि हमारे पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री कभी जप्पी देने के लिए पाकिस्तान नहीं गए थे, मोदी जी ही गए थे और बिना बुलावे के गए थे पाकिस्तान में झप्पी देने के लिए। दूसरी बात ये कि हमारे शासन में 1971 हुआ था जिसने सिर्फ इतिहास नहीं भूगोल भी बदल दिया था, लेकिन हमने उसको किस तरह से भजाने का काम नहीं किया था। सेना का काम शौर्य है, वो शौर्य हमेशा उसका हम सलाम करते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग सलाम करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में सियासत नहीं करते हैं। बात तो मुद्दों पर होनी चाहिए कि बात तो विकास पर होनी चाहिए, बात तो होनी चाहिए कि बेरोजगारी पे, बात तो होनी चाहिए जीएसटी पर, नोटबंदी पर बात होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम पर बात नहीं होनी चाहिए। ये सियासत जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, आप और बेरोजगार, ये जो स्लोगन्स हैं इन सब के, ये जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो बहस हो रही है, ये सब एक एक मुद्दे उठा उठा के बहस कर रहे हैं। जो असली बहस होनी चाहिए वो ये है कि मोदी जी ने कहा था कि 5 साल के बाद मैं अपने देश के सामने एक रिपोर्ट कार्ड पेश करूंगा, और उस समय रिपोर्ट कार्ड में कि मैं 2 करोड़ लोगों को जो नौकरी दूंगा, 15 लाख रहे, बहुत लंबा एक लिस्ट है रिपोर्ट कार्ड का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा कि एक एक चीज़ मैं इसका करूँगा।
उस रिपोर्ट कार्ड पर तो बीजेपी बहस कर नहीं रही है। उस रिपोर्ट के बाद ये सर्जिकल स्ट्राइक तो रिपोर्ट कार्ड में था नहीं, ये पुलवामा कांड तो सर्जिकल स्ट्राइक उसमें था नहीं। क्यों, देश की सुरक्षा थी नहीं क्या? बातें हो रही है क्या? देश की सुरक्षा उसमें एजेंडा में थी नहीं क्या? कार्ड से आपका ध्यान हट, हर सरकार चाहे किसी भी पार्टी को हो उसकी देश की सुरक्षा प्रथम होगी उसके एजेंडा में। भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड ठीक से जनता के सामने हम लोग बैठे हैं। ठीक है, आपका पॉइंट मैं समझ गई। और ये जो दूसरी महागठबंधन की और दूसरी कांग्रेस पार्टी है, इनको रिपोर्ट कार्ड देना नहीं, लेकिन इनको तो विजन तो देना पड़ेगा, बताएं तो किस लिए हम लोग इनको वोट दें। वैलिड क्वेश्चन सभी के लिए सवाल है। पहला सवाल इनका आपके लिए कि रिपोर्ट कार्ड दीजिए, मुद्दों पे बात कीजिए, और फिर उनसे सवाल कि आपका विजन क्या है। जज साहब एक विद्वान आदमी है, पहले से भी रहे हैं और ये राजनीति भी करते हैं, आपको मैं बता दूं, जितनी थोड़ी जानकारी मुझे है। अरे अभी तो उनके सवालों का जवाब, जो सवाल हुआ है वो वही है, सवाल वही है जो कहीं ना कहीं राजनीति आ रही है। लेकिन कहने के लिए क्या है, किसानों पर सीधी सी बात करें, हम लोग तीन चार सेगमेंट को लेते हैं, वी नॉट गो इनके और लोगों के तरह से जाति बात पर नहीं जाएंगे, हम सीधा बात करेंगे। किसान वर्ग के लिए किसी सज्जन ने अभी कहा था कि गन्ना, तो याद करिए जिसके साथ सपा ने गठबंधन किया है उसी के टाइम पर एक नहीं दो नहीं 21 चीनी मिली बेची गई थी। 21 भैया अभी चल नहीं रही है, थोड़ा फैक्ट आप तो चेक ही कर लीजिए, ऐसा है आज, तो प्रवक्ता सुनिए ना, आर्ग्यू करिए बिना फैक्ट के मत बोलिए। पिपराइच में भी लगी है, चिल्लाइए, गोरखपुर में है, आप क्या कर सकते हैं, है नवीनीकरण हुआ है रमाला चीनी मिल का, रमाला की जो चीनी मिल है उसका नवीनीकरण हुआ है। गंडों का भुगतान जो समाजवादी पार्टी 5 साल में 55 करी थी, हमारी पार्टी ने मात्र 2 साल में 57,000 करोड़ से ऊपर किया है। किसानों के लिए 36,000 करोड़ मैंने आपको बता दिया था, महिलाओं और बच्चों के ऊपर आप आइए तो हम कुछ उसके बाद जवाब देते हैं। आपके विजन क्या है, आप क्या विजन दे रहे हैं? कुछ नहीं, चौकीदार चौकीदार खेलना हमें जरूरत नहीं है, हमने पहले बताया कि हाँ रोड मैप में दे रही हूँ। जो हमारा एक्सप्रेस वे है दोनों तरफ ने मंडियों का प्रोविजन किया, समाजवादी पार्टी सरकार आएगी वो मंडियां विकसित होंगी, वहाँ किसान जाएगा उसको उचित दाम में मिलेगा। डायल 100 एक कानून व्यवस्था पे सतत काम करने की आवश्यकता थी, डायल 100 यही बना है, 8 एकड़ पे बना है और 4,800 वाहन हमने खरीदे और खरीदेंगे जिसे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पे त्वरित रूप से एक्शन हो सके। साथ में 10-90 हमने इस्टेब्लिश किया, 18 लाख युवाओं को हमने लैपटॉप दिया है, लैपटॉप का मतलब होता है वो कहीं ना कहीं, और हम बता भी सकते हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक स्टार्टअप या 4 स्टार्टअप हैं जिन्होंने उसी लैपटॉप से अपना काम शुरू किया है। एक लड़का गया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो एक मिनट सर 5 साल में कितने साल दिया के लिए, 5 साल में गठबंधन कैसे रोजगार देगा 2 करोड़ लोगों को, अगर ये लोग 2 करोड़ नहीं दे पाए तो महागठबंधन कैसे देगा? बताइए, थोड़ा सा समझिए, इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हो गया है, अगर मंडी बनेगी वहां पर किसान जाएंगे, किसान अपना सामान बेचेंगे, ई मंडिया ई नैम तो काम कर नहीं रही है, 24 लाख पद खाली पड़े हैं, सरकारी पद खाली पड़े हैं, उनको भरने का हमने ऑलरेडी डिक्लेरेशन दिया है। तीसरी बात, यही सवाल, प्रोडक्शन अगर हम बढ़ा रहे हैं और अगर हमने अपने स्मार्ट गांव की योजना दी है जो हम 2017 में नहीं लागू कर पाए तो वो अब हम करेंगे, स्मार्ट शहर का तो कोई पता नहीं है, आप इनसे एक बार पूछ लीजिए कि कितने रोजगार इन्होंने दिए, हमने तो एक बेसिक रोड मैप आपको बताई दिया और भी बता सकते हैं। शीतल जी, हमने 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा नहीं किया था, हमने 10 करोड़ नौजवानों को बेरोजगार बनाने का वादा नहीं किया था। तो हम तो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, सरकार 5 वर्ष तक रही है, हम सरकार से हम तो जब सरकार में आएंगे हम बेरोजगारी के लिए, हम गरीबी दूर करने के लिए उस पर हम काम करेंगे, हम किसान को उसकी आय 2 गुनी हो, किसान आत्मनिर्भर बने, किसान का अपना बजट हो, हम उस पर काम करेंगे, हम उसके लागत का 1.5 गुना मूल्य, हम स्वामी निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का काम करेंगे, समय आता हम इनकी तरह किसान के साथ नौजवान के साथ हल करने का काम नहीं करेंगे। नेतृत्व जाएगा जयंत के हाथ में ही, आप सपना देखिए। मेरा आपसे आग्रह क्या है कि सुपर से सीधा टू दी पॉइंट, 72 की तो बात हम कर रहे हैं, राहुल गांधी नहीं, नहीं, राहुल गांधी को नहीं छोड़ देंगे, अभी राहुल गांधी की बात पर आएंगे। बिल्कुल, कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक के लाइन है,
कि सूप हंसे तो हंसे, गांव में कहते हैं चालन न हंसे, जिसमें 72 छेद है, 72 छेद के साथ नेशनल हेराल्ड में ये जमानत पर हैं। इनकी मम्मी उसमें ये है, जीप कांड 1940 से लेकर के और रुकिए कॉमनवेल्थ तक इन्होंने भ्रष्टाचार को बलि चढ़ाया। ये 72,000 का रोड मैप के लिए कहते हैं कि सुब्रमण्यम से बात करेंगे। हम सुब्रमण्यम से क्यों बात करेंगे? सुब्रमण्यम से हम क्यों बात करेंगे? देश के सामने रखिए कि ये 72,000 के हिसाब से पैसा आएगा कहां। भाजपा के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूँ, जी जी भाजपा के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूँ कि आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पे आप लोगों ने ही तो मिस्टेक पैदा की। क्या कोई कहता है 350, कोई कहता है 350 लोगों को हमने मारा, कोई कहता है कि 250 लोगों को मारा। जनरल बीके सिंह एक मिनट सुनिएगा, रोजगार की बात करते हैं, आपको भर्तियों में सारी भर्तियों में लीकेज हो गया है, ये इनकी जितनी भी भर्तियां हैं सारी कोर्ट चली जाती, ऐसी इनकी कौन सी व्यवस्था है? मैं एक गठबंधन से पूछना चाहता हूँ, ये जातवाद, मैं जातवाद की बात कर रहे हैं, जब इनकी सरकार थी जितने भी क्या नाम है वो घोटाले हुए, और जिस जगह पे भी ये बात कर रही थी मैडम जी कि रिवर फ्रंट क्या नाम है अखिलेश यादव ने बनवाया है, यही घोटाला हुआ है पहली चीज। एक मिनट में बात कर रहा हूँ, जितनी भी भर्तियां हुई, जितनी भी नियुक्तियां हुई, ये जातिवाद के आधार पे हुई। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जातिवाद खत्म हुआ, सबका साथ सबका विकास की बात करते, सबका साथ सबका विकास की बात, विकास पे काम हो रहा है। जाति का सम्मेलन नहीं किया, हर जाति का सम्मेलन विश्व हो रही है, हमें रोज कल ये मुद्दों के बाद आपने पूछा कि हमारे कोई मुद्दा नहीं, हर जाति का सम्मेलन मुद्दे की आपने सबसे पूछा, हर पार्टी से मुद्दों की बात पूछी आपने, कांग्रेस का क्या मुद्दा है? कांग्रेस का मुद्दा है दो अनुकंपा में मिली हुई सीट जो बसपा से और सपा से मिली है, अनुकंपा की दो सीटें, उस पर आपको चुनाव लड़ना है, अपनी इज्जत बचानी है। वैसे ऑलरेडी आपने दूसरा टिकट ले लिया है केरला में, यही आपका विजन है। हम आपके उस करप्शन की बात नहीं करना चाहते हैं, जो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ीपार है और जिसका लड़का जो है 80,000 करोड़ जो है 80,000 गुना जो है अपनी संपत्ति बढ़ाता है। बार बार विकास की बात कर रहे हैं लेकिन वास्तव में विकास होता भी है, और अभी लखनऊ की हालत ये है, हम चारों तरफ घूमते हैं, चारों तरफ अभी भी गड्ढे भरी सड़कें, जबकि कहा गया था यहाँ के इलेक्शन जीतने के बाद कि एक महीने के अंदर सारी सड़कों को बना दिया जाएगा, ये कहने की बात थी सिर्फ ये। आज भी लखनऊ के चारों तरफ जाइए, आपको इतने गड्ढे मिलेंगे कि आपकी जीपें उछलने लगेंगी, और अगर पूरे यूपी की बात की जाए तो भगवान ही मालिक है, श्री राम ही मालिक है। सड़क कम गड्ढे ज्यादा, केंद्र में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, जवाब दीजिए, फिर आप विजेंद्र जी के पास चलेंगे। मुझे लगता है कि भाई साहब जिन्होंने ये प्रश्न उठाया है, मुझे लगता है भाई साहब जिन्होंने ये प्रश्न उठाया है ऐसी जगह से आ रहे हैं जी, ये गड्ढा खोद खोद के उसमें गाड़ी में जाते हैं, सुनेंगे ऐसा नहीं है। ये आज का लखनऊ हिंदुस्तान का सबसे बेहतर शहर है, लखनऊ का सबसे बेहतर शहर है आज के हिंदुस्तान का, ये इसके बारे में आप मत बात करिए जनाब। आम पब्लिक की बात सुनना चाहते हैं, आप पब्लिक की आवाज दबाना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार की 5-5 एजेंसियां इस फील्ड में काम कर रही है, और आप रुक जाइए एक मिनट, आग्रह है पहले आप पे बोल लो। अरे मुद्दे पर मुद्दा सिर्फ इतना है कि चाहे रेल मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे रेलवे प्लेटफॉर्म है, आज जाके देखिए हिंदुस्तान की तस्वीर दिखती है उन रेलवे स्टेशन पर, जाके देखिए ट्रेन के अंदर उनकी व्यवस्था देखिए, बसों की स्थिति जाके देखिए, ये लोग क्या बात करेंगे। मैं देखना चाहिए ये शीतल जी, ये किसी भी कार्य को करने से पहले ये कमीशन तय करने वाले लोग तब हुआ करते थे, आज कम से कम ये नहीं कहा जा सकता कि कमीशन में किसी ने कोई आरोप लगाया है। अरे अभी क्यों नहीं है प्रधानमंत्री पर उंगली उठाते, प्रधानमंत्री पर उंगली उठाई है रिश्वत लेते हुए आप तो इनके यहाँ जनता मुद्दों पर बात करना चाहती है, यहाँ लोग आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन मैं भी पूछना चाहती हूँ कि जो बताया गया था कि सड़कें, हमने तो सारे जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़कों से जोड़ दिया, सड़कों के गड्ढे कहाँ बढ़े, रोजगार कहाँ मिला, जब कोई स्टूडेंट काला झंडा भी दिखाता है तो क्यों उस पर एनएसए लगा दिया जाता है, योगी आदित्यनाथ के राज में फर्जी एनकाउंटर क्यों होते हैं, कोई लोग शोर करने के लिए बुलाए गए हैं, उनका कहिए तो सुने, तो मुद्दों की बात तो सुने, वो तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपने कहा मुद्दों की बात होनी चाहिए कि रोजगार की बात होनी चाहिए, व्यापार की बात होनी चाहिए। राहुल जी ने कहा है कि 72,000 करोड़ की बात आपने खुद कहा,
इसके पहले हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है कि किसी भी पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है, 2008 में देखा होगा पूरे हिंदुस्तान के किसानों का कर्ज कांग्रेस ने माफ किया, और अभी देखा होगा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों राज्य के अभी तक नहीं हुए। चुप रहिए दुबे जी, मैंने बोला नहीं आपको, ये गलत बात है। आप गलत, आप लोग पूरी तरह से हो जाए, तीनों राज्य में अभी तक नहीं मोचन है, आपका अभी कुछ नहीं हुआ है, लगे हुए हैं, गलत बोल रहे हैं। इस मंच से आकर के बहुत सारे ऐसे सेंटर खुले हुए हैं जो कमीशन के लिए खुले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है। अगर आपकी बात सुना तो आप लोगों की बात सुनिए। हमको एक बात बीजेपी प्रवक्ता पूछना चाहता हूं, 2014 में किए गए जितने भी वादे क्या वो पूरे एक भी कर पाए? वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां झूठ फ्रॉड लोग हैं। और मैं राजनाथ सिंह से यहाँ गृह मंत्री हैं, अरे रुक जाइए यार, बात तो सुनो तुम। यहाँ से गृह मंत्री राजनाथ क्या पांच काम यहाँ गिना पाएंगे? उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पांच काम गिना पाएंगे? एक काम नहीं गिना पाएंगे मैं। चलिए एक मैं गिना देता हूँ आपको। हेलो सभी प्रवक्ता, आप सभी प्रवक्ता से, ये नई पॉलिटिकल पार्टी है, आपको गिना देते हैं एक काम। सुनिए सुनिए, एक काम गिना दे। हाँ बोलो। जज कौन जनता? जज साहब से मैं बात करना चाह रहा हूँ। आप जज हैं और पांच साल के जो सरकार है बीजेपी सरकार, यह वो बताएं कि पांच साल में कहां कहां बम ब्लास्ट हुआ है, इसके पहले कितना बम ब्लास्ट हुआ था वह खाली बता दें, हम मान जाएगा कि नहीं कोई काम नहीं हुआ। नहीं नहीं, तो आपका आपका सवाल क्या है? हम पूछ रहे हैं पार्टियों, आप पार्टियों, बम ब्लास्ट नहीं हुआ कहीं बीजेपी सरकार में, आतंकवाद का जो कंफ्यूज्ड है इनका ये कहना है। मैं समझ गई इनका ये कहना है कि आतंकवाद में कमी आई है पिछले पांच साल। नहीं, आतंकवाद की बात, शीतल जी जवाब तो सुन लीजिए, उन्होंने जब कहा उसका जवाब तो सुन लीजिए। आतंकवाद की बात अगर करते हैं तो अभी तक मोदी जी के कार्यकाल में अभी तक पूरी तरह 626 अटैक हुए हैं जम्मू कश्मीर में, 483 हमारे सैनिक मारे गए हैं, ये आतंकवाद नहीं है तो क्या है? आप बता दीजिए कि 5000 से अधिक वायलेंस हुए हैं, ये आतंकवाद नहीं है तो क्या है? आप जिस आतंकवाद की बात करते हैं वो कभी भी जब तभी भी तभी खत्म होगा जब इस देश का विकास होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, व्यापारियों के पास विकास होगा और लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे होंगे। वो हमारे का राहुल जी ने कहा है कि लोगों को व्यापार के लिए जो सुविधाएं दी है, उन्होंने कहा 3 साल तक किसी को कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। द्विजेंद्र त्रिपाठी ने जो बोला पूरी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन सवाल एक ही तो है, रुक जाइए आप ज्यादा समझा करिए, क्यों रोक रहे हैं आप? इतना सम्मानित चैनल है, इसको समझिए। इन्होंने जो कहा उनकी बातें तो ठीक है, यही है भारतीय जनता पार्टी कि जो ये कानून बनाए, बस दिक्कत इतनी ही तो थी कि उस पर ये चलते नहीं थे और भ्रष्टाचार कर देते थे। हम क्या करते हैं कि इन्हीं के बनाई हुई चीजों को रिफाइन कर दिए। रक्षा विभाग पहले भी था, पहले भी आतंकवादी होते थे, लोन साहब के टाइम पर क्या हुआ था इनको कहानी पता है, बॉम्बे में शिवराज पाटिल का कहां कहां गए थे वो भी सब जानते हैं, और मेरी ही कांधार को भी आप जानते होंगे कि कांधार में आतंकवादियों को किसने छोड़ा। मैं इनको बताना चाहता हूं कांधार के आतंकवाद को भी देखना होगा। अगर हमारे सैनिक मरे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ी बात सोचा है तो कांधार में जहां पर यहां के इनके, आज यदि किसी ने सोचा है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का काम किया है। भाई हमारा सवाल भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रवक्ता जो उनसे है, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने इन पांच सालों में, या जीएसटी का मामला हो या नोटबंदी का मामला हो या अभी केरल में जो सरकार बनी उनके मुख्यमंत्री ने 2 बजे सरकार शपथ ली, नोटबंदी 12 बजे के बाद आया, जीएसटी 12 बजे के बाद लगा है, तो ये कौन सा कानून है जो रात के अंधेरे में आप लोग लगाते हैं? ये क्यों भूल गए कि नेहरू जी ने देश को आजाद भी रात को 12 बजे के बाद? किसान क्या सवाल रहे हो? आज किसान मर रहा है, जो आपने वादे किए तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, बल्कि हर साल 1 करोड़ लोग जो बेरोजगार हो रहे हैं। किसान बेरोजगार, ये कह रहे हैं किसान मर रहा है। मैं तो कहूंगा कि जो लोग राजनीति में विपक्ष के लोग हैं, जो राजनीति से प्रेरित है, किसान नहीं मर रहा है, ये लोग मर रहे हैं, क्योंकि किसान का समर्थन मूल्य उसका बढ़ रहा है। किसान को डिटेल देता करवा रहे हो, गेहूं का समर्थन मूल्य यदि किसी ने बढ़ाया तो वो हमारी पार्टी है, मिला नहीं धान का बढ़ाया वो हमारी पार्टी ने बढ़ाया, 1735 और 50 का फिगर याद रखिए, दाल दलहन की खरीददारी करी वो हमने करी, भंडारण की सुविधा बढ़ा रहे हैं वो हम बढ़ा रहे हैं। इनको दिक्कत पेट में दर्द सिर्फ इतनी है कि अब मलाई मारने को मौका नहीं मिल रहा। ठीक,
बहुत सही आ जाएगा, भरोसा रखिए। ये पब्लिक पूछ रही है, तो करेंगे पब्लिक 72,000 देंगे ये आपको, पब्लिक का जवाब 72,000 का इंतजार करिए सर। मैं पब्लिक का अच्छे दिन 72,000 का इंतजार करिए, सुन लीजिए, अच्छे दिन गायब है, सुन लीजिए। मेरा जो क्वेश्चन है वो किसी एक पार्टी से नहीं है, बल्कि यहाँ की सारी पार्टियों से है। यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं और जितने लोग भी सम्माननीय सामने हैं, मेरा सबसे एक क्वेश्चन है। आप विकासशील देश की बात करते हैं, पिछले 70 जब से हम लोग 1947 से देश आजाद हुआ है, 70 वर्ष। मैं सर एक मिनट पहले हम आप बोलिएगा, थोड़ा जल्दी करिए, ठीक है। 1947 से जब से देश आजाद हुआ है तब से विकासशील हो ही रहा है, और जबकि हम चाइना जो है वो सवाल क्या है, सवाल मैम यही है कि आखिर कितने साल में विकसित होगा हमारा देश। सभी से आपका सवाल है, देखिए ये है आम जनता का सवाल कि विकासशील से हम विकसित कब होंगे। आपस में ही लड़ते झगड़ते रहेंगे राजनीतिक दल, शुरुआत करते इनसे क्योंकि काफी समय से मैं अनिल जी के पास नहीं आया। अनिल जी देखिए, विकास के बारे में आप करना कहाँ चाहते हो? आप तो केवल मंदिर के नाम पर, आप धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर आप जो है उसी पर राजनीति करना चाहते हैं। एक सेकंड, आप देखिए मुझे लखनऊ से ये उम्मीद नहीं है, आप मुझे लखनऊ से ये उम्मीद नहीं है। शांत रहिए, उन्हें बोलने दीजिए, मैं आप सबके पास आ रही हूँ, मुझे लखनऊ से कम थोड़ी सी शांति की उम्मीद है। तो जब विकास के ऊपर कोई काम ही नहीं होगा, विकास के नाम पर आप जब बात आएगी तो आप राष्ट्रवाद का लेकर के आओगे, और राष्ट्रवाद कौन सा, अपना वाला राष्ट्रवाद? रामचंद्र जी का चित्र आप जो है राम मंदिर का लगा लोगे, काम आपको करना नहीं है। किसान को लागत का 1.5 गुना मूल्य देने का वादा था, किस किसान को लागत का 1.5 गुना मूल्य इन्होंने दे दिया? काम कुछ नहीं करेंगे, वादा करेंगे क्यों, वादा खिलाफी करेंगे। शीतल जी लखनऊ है, हमारा लखनऊ है, तो वास्तव में यही वो लखनऊ है जहाँ एक कश्मीरी युवक को ऐसे ही जनता ने बचाया था, वहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। तो लखनऊ पे गर्व है, और मुझे आशा है अभी तक लखनऊ के संस्कार काबिज हैं, उसी पर बहस होगी। जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, एक गहन समस्या है। सबसे ज़्यादा 45 वर्षों में बेरोजगारी दर हमारी सबसे अधिक है, युवा इस बात को जरूर समझ लें। किसी को भी किसान को उचित दाम नहीं मिला है, 5 किलो आपने यूरिया की बोरी में कम कर दिया है, 1700 अनाउंस किया, हमें नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला, 1 किलो आलू की खरीद नहीं हुई है। दलहन आपने कहा हमने इतना खरीद लिया है, आप बताइए बुंदेलखंड में कितनी खरीद हुई, कितने क्रय केंद्र किए, कितने नए कोल्ड स्टोर आपने बनाए? जवाब दीजिए। मैं नहीं चाहता था कि तीखा सवाल का जवाब दूं मैं, लेकिन दे दूंगा तभी आग लग जाएगी, कहना नहीं चाहता। सुनिए एक और चीज, सुनिए तुम क्या चाहो, रुको, शीतल, 40 टिकट परिवार संपूर्ण विकास, भाई बहनों को, देश का संपूर्ण विकास और ये विकसित भारत तब होगा जब सबसे पहले हम भ्रष्टाचार को छोड़ेंगे। और ये भ्रष्टाचार तुम्हारी ही लोग की गति है, ये भ्रष्टाचार तुम्हारे ही लोग करते हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है, दूर किया, अब आकांक्षाओं का भारत नया होगा, नई आशाओं का भारत होगा, भारतवर्ष नया अपना लाइन खींचेगा और देश का विकास होगा, ईमानदारी से विकास होगा, और ईमानदारी से विकास करके हम देश को नंबर 1 पर ले जाएंगे। शीतल जी दुबे जी सुन तो नहीं, देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार नोटबंदी है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मोदी जी के दोस्त नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चौकसी हैं, जो नीरव मोदी को सम्मान बाहर से दिया है, और नीरव मोदी को पैसा किया जाता है, अगर मोदी को हम ला रहे हैं, हमारे भाई माल्या त्राही त्राही कर रहा है, कैसे होगा माल्या कर रहा है, शिक्षित कैसे होगा, मेरी जितने की पैसे नहीं है उतना मेरी वसूली हो गई। एक महिला फीमेल, ओके, मैं कुछ बोलना तो नहीं चाहती थी, मैं ऐसे फर्स्ट टाइम आई हूँ ऐसे। जी जी बता। एंड मुझसे रहा नहीं गया, मुझे मेरे दिल की बात, प्लीज गो अहेड। सरकार कोई भी आई हो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जी, कि चाहे आपकी सरकार हो आपकी हो, मेरा नजरिया ये है कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं स्टार्टिंग में कि हम ये करेंगे वो करेंगे ये लाएंगे, लेकिन नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करता है। स्वच्छ भारत की बात हुई, मैं देख रही हूँ कहाँ है स्वच्छ भारत, भारत देश आप देखिए लखनऊ की गलियां इतनी गंदी सड़कें, मैं जब दूसरी कंट्री में जाके देखा तो मुझे बहुत शर्म आई कि भाई मेरा भारत देश, तो मैंने अपनी सड़कों से मैंने एक बार कचड़े भी उठाए हैं, मैंने उठाए हैं। तो मोदी जी का ये जो स्वच्छ भारत वो भी पूरा नहीं हुआ, ठीक है। प्लस वुमेन्स के लिए जो महिलाएं हैं वो रात को सेफ नहीं है, ठीक है, आराम से घूमने, सरकार कोई भी आए, अखिलेश जी की भी सरकार आती है, लैपटॉप बांटा,
किसने देखा, मैंने देखा, आप जितने भी बातें करते हैं, इनका पॉइंट मैं समझ गई है, कह रही है कि सब दावे करते हैं, सबसे पहले इन्होंने बात सफाई की। शीतल मैं सवाल लूंगा और फिर महिला एक सेकंड, एक शब्द आपने कहा था किसी कंट्री से आई, एक सेकंड मैम, अब जवाब, आप जवाब, आप जवाब। अच्छा, गांधी परिवार से एक चीज, एक चीज, एक चीज बताइए सर, जिसको पप्पू कहा जाता है वो पढ़े लिखे समझदार यंग मिनिस्टर है, उनको पप्पू कहा जाता है, और जो करप्शन करते हैं, अंदर रखते हैं अपना माल। चलो चलो, करण करण, पहले पार्ट में, करण करण, पहले पार्ट में जो आपने बोला, मैं सही बताऊं भैया, आप लोग थोड़ा तो, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं आऊंगी सबको मौका। फर्स्ट पार्ट में जो बोला, मैं सच कहता हूं कि आपको नमन करने का मेरा दिल करता है, नमस्कार। दूसरा पार्ट में आप पॉलिटिकल हो गई, राहुल से या मोदी जी से हमें व्यक्तिगत विशेष पर नहीं जाना है, जब आम जन की बात करते हैं तो एक रुक रुक जाइए यार, हम जानते हैं ये नहीं, इसके आप, लिए कुछ पाए होंगे, इसके लिए किस वेट पर आए, खैर हमें इनको क्या जवाब देना है, जवाब मैं मैडम को देना चाहता हूँ। मैम एक कहावत है, द चैरिटी मस्ट बिगन फ्रॉम होम एंड इट हैज ऑलरेडी बिगन, स्वच्छता अभियान शुरू हो चुका है, इसकी है सुगबुगाहट है, लोग करते हैं, कम से कम जनमानस के अंदर ये भावना तो आई गई है कि स्वच्छता होनी ही चाहिए, और ये आप भी पसंद करती हैं, हम भी पसंद करते हैं, यदि उसको शुरुआत करा दिया इस देश के प्रधानमंत्री ने तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, स्वच्छता अभियान, विक्रम राव जी, स्वच्छता अभियान का कुछ असर दिखता है? मैं जानना चाहूंगा इन विद्वान प्रवक्ताओं से कि मान के चले कि मोदी भाजपा के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, विपक्ष का उनको चुनौती देने के लिए कौन व्यक्ति है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे एक राष्ट्रपति के चुनाव जैसे होगा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो क्या प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कोई संयुक्त, ये आप ही जैसे विद्वान सोच सकते हैं सर, धन्यवाद, मुझे जवाब नहीं देना। नहीं सर, मैं आपका जवाब देता हूँ, पहले कि मोदी जी ही थे, जब अभी पांच प्रदेशों के चुनाव हुए थे वहाँ पर मोदी जी कहीं नहीं आए। आपका कौन है जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है? एक मिनट सुनिए, पहले सवाल ये नहीं है, सवाल तो हमसे पहले सवाल पूछा जाता था, हम सरकार में थे, आज जनता हिसाब मांग रही है मोदी जी से, आपने देखा होगा अपने सामने, सिर्फ मोदी जी से हिसाब मांगा जा रहा है, और आज पहली बार मैं कहना चाहता हूँ कि ये कैसे प्रधानमंत्री हैं, आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, आपसे ज़्यादा हम थोड़े जानते हैं, आप बता दीजिए कि जब हम पर्चा भरने जाते हैं पार्लियामेंट का तो हम लिखते हैं अपनी क्वालिफिकेशन, और हम क्वालिफिकेशन लिखने के बाद भी हम चले जाएं सुप्रीम कोर्ट में कि हमको रहने दीजिए, हमारा सर्टिफिकेट आउट ना हो, इससे बड़ा देश को धोखा देने वाला अगर कोई एक आदमी प्रधानमंत्री हो, उसके आदमी की शिक्षा से लेकर उसके कैरेक्टर पर, ये मैं सात सवाल उठाता हूँ, प्रधानमंत्री जो अपने सर्टिफिकेट छुपाने के लिए कोर्ट की शरण में जाता है। जवाब ले लीजिए, जवाब, कांग्रेस पार्टी का यही समस्या है, जिन जो प्रॉब्लम नहीं है वो प्रॉब्लम करनी है, आप बताइए संविधान में, शीतल जी और आप भी बैठे हैं राव साहब, क्या संविधान में ऐसी व्यवस्था है, कौन क्या है वो बात की बात करेंगे, संविधान में ऐसी व्यवस्था है क्या जो आठवीं पास होगा, दसवीं पास होगा, बीए पास होगा, अरे वही, मैंने बनेगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री ने केवल चाहिए देश को एक सेवक, सच्ची निष्ठा से एक सेवक चाहिए। स्मृति ईरानी जी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की शरण में, स्वच्छता अभियान की बात हो रही थी, कोई और बोलना चाहेगा? मेरा सवाल सभी जनता के सवाल ले लीजिए बजाय इसके कि कर्नल साहब, आप भले कर्नल होंगे लेकिन पार्टी में आप बिल्कुल एक सूबेदार के तौर पर है, लेकिन मेरा सवाल ले लें, मेरा सवाल इस बात का है कि जिस तरह से आपने वायदे किए थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन यूनानी बनाम आयुर्वेद की लड़ाई कब तक लड़ेंगे? इस चुनाव में पूरे मुद्दे जो मूलभूत मुद्दे हैं, महिलाओं की सुरक्षा का हो, रोजगार का हो, ये सब पूरी तरीके से गायब है, ये सब आप लोग क्यों नहीं उठाते? ये उठाया नहीं जाता है, इस पर कार्य करने की जरूरत है और वो कार्य किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी इस पर पूरी कार्रवाई कर रही है। आज जितने इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो सब के सब या तो शिक्षे के अंदर हैं या अपनी जमानत कैंसिल करा करके अंदर जा रहे हैं। ओके, हाँ मैं गोरखपुर से घूम रहे वाला हूँ, यहाँ तैयारी करता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले न्यूज आया था कि एनएसएसओ ने अपना आंकड़ा जारी किया, 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और सब पार्टी मिल के एक दूसरे पे प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन अभी उठा लीजिए, मैं हुआ चाहे कोई हुआ, अभी यहाँ कोई मार दिया जाता है गोली से, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, ये केवल आप एक दूसरे में लड़ते रहते हैं और हमारी कोई मुद्दा को आ ही नहीं पाता, कोई किसी मुद्दे का ख्याल नहीं करता, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा। मैं जूही सिंह और अनिल दुबे से लूंगी, किसी को फिक्र नहीं है, आम लोग आदमी युवा की आवाज,
शीतल जी उन्हीं की आवाज़ है और उसी आवाज़ में आवाज़ मिला रही हूं मैं शुरू से, इसीलिए कोई और एजेंडा आज बार सेट नहीं होगा। राष्ट्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय मुद्दे, युवाओं के मुद्दे और महिलाओं के मुद्दों में कोई विरोधाभास नहीं होता है। हम अपने काम की बात करेंगे, हमें काम पर पास करना है। 2 साल हुए, काम जमीन पर आज दिख रहा है, फीता उधर से कट रहा है हमारे कामों का। तो कैंसर हॉस्पिटल शुरू कर दीजिए, लोगों को इलाज मिल जाएगा। कुछ बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक 500 बेड का हॉस्पिटल बगल में बच्चों का है, वहाँ शुरू कर दीजिए। ऑक्सीजन तो आप दे नहीं पा रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे दीजिए, अपना रोड मैप भी बता दीजिए। और जो जनता है जो हमारा रोड मैप पूछ रही है, इनसे भी पूछे कि क्या सर्टिफिकेट है। 7 साल की सरकार हो गई, अब योगी जी भी जवाब दीजिए। गोरखपुर के बारे में बात हो रही थी, बीआरडी हॉस्पिटल की, इन्हीं की पार्टी ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि हमारी पार्टी जब आई मार्च आप सो रहे दो महीना नहीं बीते उसके अंदर लोग मर गए सिर्फ कमीशन खाने के चक्कर में। कमीशन खाने के चक्कर में इनकी सरकार में लोग मर गए, इनको पता ही नहीं है। डॉक्टर इनका कातिल निकला, डॉक्टर के साथ ये ठेकेदारी कर करके कातिल बने हुए थे। ये डॉक्टर इनका कातिल निकला, ये डॉक्टर कातिल, इनके डॉक्टर कातिल। ओंटी चड्ढा एक नाम सुना होगा, ओंटी चड्ढा के ये दोस्त हैं, ये थे तब भी थे। और पोंटी चड्ढा के दोस्त जब बसपा की सरकार थी तभी सर अपना बता ये विकास की बात करेंगे। अरे ये सिर्फ लूटने की बात कर रहे हैं, लूटने के अलावा इनको कुछ आता ही नहीं है। जीवन भर इन्होंने लूटा है इस देश को। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा और जो सपा और बसपा पैदाइश है वो कांग्रेस की दी हुई देन है। आपको मालूम होगा कि अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथी ने कहा गोरखपुर की बात की, उसी गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी शिकस्त खाई है, चुनाव हार गई है। सोच लीजिए कि वो कितना बड़ा काम करते हैं, वही मुख्यमंत्री इसी उत्तर प्रदेश और आज भी बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही कि गोरखपुर की सीट लानी है कि नहीं। उनके पास उत्तर प्रदेश में दो सीटें अनुकंपा आपने नौजवानों की बात की, अब हम जरा एक मिनट हम आपसे समय लेंगे। आपने बात की, वाकई यहाँ पर नौजवान बहुत हैं जिनके पास सब बेरोजगारी है। राहुल जी ने सीधे तौर पर कहा है और उन्होंने कहा है कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे 22 लाख जो नौकरियां हैं उसको एक वर्ष में हम पूरा करेंगे, एक साल में खत्म करेंगे। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे संगठन जो प्रियंका जी से मिलने आए थे 13 लाख हैं वहां पर, चाहे शिक्षा मित्रों की बात हो चाहे बीएड करने वाली बात हो, उन सबको उन्होंने कहा है कल हमारा मैनिफेस्टो आ रहा है। आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के किसान नौजवान से लेकर व्यापारियों तक की बात होती है कि नहीं। और इसलिए होगी कि कांग्रेस पार्टी और राहुल जी ने जो वायदा किया उसको पूरा किया, समयबद्ध पूरा किया और आपको वो दिखाई देगा। पार्टी ही उत्तर प्रदेश और देश का उद्धार अब कर सकती है। मैम कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में राम राज्य ला दिया था, वो पूरी दुनिया जानती है। खैर, मैं अभी हॉस्पिटल की बात हो रही थी, मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर 3 लोकसभा के अंतर्गत 1 मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय लिया है और मेडिकल कॉलेज कई सारे बन चुके हैं और कई बन रहे हैं। 60 सालों में मात्र 5 एम्स बना था और 5 सालों में 16 एम्स बन के तैयार हो रहे हैं। 16 एम्स पे काम हो रहा है। प्रतिबद्धता है, थोड़ा पढ़ लिया करो भैया। मैम मेरा क्वेश्चन सारी पार्टियों से है कि जब 2019 का जो चुनाव हो रहा है उसके जो मुद्दे हैं वो दो पीछे थोड़ा सा लाउडर हो जाए, देशभक्ति बनाम देशद्रोही, और दूसरा जो मुद्दा है वो मोदी हटाओ। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि राहुल आप एक युवा हैं, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? मैम सबसे बड़ा मुद्दा जो बेसिकली जनता का क्या सोचना है, अब हमारी क्या आप युवा क्या सोचते? मैम बेरोजगारी का क्या, जो बेरोजगारी थी वो कितनी हद तक पूरी हो पाई कितनी नहीं हो पाई, जनता को नौकरी मिली उनको सफाई हुई, तो ये सारे मुद्दे जो लोकल लेवल पर रहते हैं मैम वो सब फेल हो चुके हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि राहुल गांधी जी ने जो वादा किया है वो नौकरी देंगे, लेकिन यही वादा उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले किया था कि आएंगे तो विद इन 10 डेज ये 29 जुलाई को LT ग्रेड टीचर का एग्जाम हुआ, हम लोग 24 बार लोक सेवा आयोग पे धरना दे चुके हैं, आज तक उसका रिजल्ट निकाला क्यों नहीं जा रहा है? चलिए जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जहाँ तक अध्यापक और शिक्षकों की बात है, पुलिस और शिक्षा विभाग ये दो जो है ये सपा का ग्रे एरिया रहा है। आप रुक जाइए यार, आप चुप रहिए, पेमेंट लेके आए क्या बोलने का, शांत रहिए, उस बोल लीजिए विचार। मेरा मानना ये है कि ये
जब भी कहिए पैसा लिए पैसा लेकर के धोखाधड़ी से लोगों को भर्ती किए, जिसको न्यायालय ने अनुचित ठहरा करके इनके फैसले को कैंसिल कर दिया और चाय बनाइए, चाय का होटल खोलिए, ये एक रोजगार है। तो आप बताइए जो 2 करोड़ रोजगार थे, क्या वो इस तरीके से मिलेंगे देश की पकौड़ी बना देश का किसी भी व्यवसाय को करने के लिए हमें उस पर गर्व करना चाहिए और उसको तन मन के साथ उस व्यवसाय को करना चाहिए। हर व्यवसाय ही हमारे लिए सर्वोपरि होता है। लेकिन राव साहब का सवाल अभी भी है, शीतल इट मस्ट गो कंक्लूसिव ये जाना चाहिए कि आज विपक्ष का प्रधानमंत्री कौन होगा, विपक्ष का प्रधानमंत्री कौन होगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बन सकते हैं आप, विपक्ष में नेताओं की कमी नहीं है। सवाल है बीजेपी के प्रवक्ता जी से कि हमारे देश के एक्चुअल में अच्छे दिन कब आएंगे, जब हमारे यहाँ जो बच्चे हैं सड़कों पे चाय बेचते नजर नहीं आएंगे, शिक्षा के लिए अभी तक क्या कार्य किया गया है? इस देश के अच्छे दिन तब आएंगे जब अवसर दे करके आप भारतीय जनता पार्टी को और ये जितने लूटने वाले हैं इनको सबको सत्ता से सवारी करा लीजिए। शीतल जी, इस सरकार के लिए हमें एक सवाल का जवाब पूछना है, जो राव साहब की बात थी, शीतल राव सवारी करा लीजिए शीतल जी, कि इनका प्रधानमंत्री कौन होगा रिपोर्ट, वो सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया कि विपक्षियों का प्रधानमंत्री कौन होगा, 5 साल का रिपोर्ट का विपक्षियों का प्रधानमंत्री कौन होगा करा लीजिए कि कितना मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल की राय सुमारी जनता से हाथ उठा के पूछ लीजिए कि कितने लोग उससे। अरे देवेंद्र जी, आप कुछ नहीं कर सकते, राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी की शादी हो गई, वोट कम पर है, आपका नंबर कहां आएगा, बेकार की बात करते हैं। ऐसे नहीं, अगली सपा में जो अगला नेता होगा, सपा में अगला नेता होगा वो अखिलेश जी का बेटा होगा, आपका नंबर कहां आएंगे? शराब की जहरीली शराब से इसी प्रदेश में लोग मर रहे हैं, जहरीली शराब से लोग मरते रहे, सरकार मौन रह गई, कहां चली गई सरकार, उसके बारे में कुछ काम नहीं किया। ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए, अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि तमाम मेडिकल कॉलेज खोल गए, कहां जो है अस्पतालों में, आज भी मेडिकल कॉलेज में यहां के अस्पतालों में मरीज भर्ती नहीं हो पाते, उनके लिए झगड़ा होता है, लोगों को जगह नहीं मिल रही। लखनऊ को क्या लगता है, अबकी बार किसकी सरकार? मोदी, अबकी बार मोदी सरकार जीतेगी, 80 में 80 सीट गठबंधन जीतेगी, मोदी।